एवरीवन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप बोल रहे थे, कल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, भैया रजिस्ट्रेशन कब होगा काउंसलिंग का, क्या रिजल्ट आने से पहले होगा या रिजल्ट आने के बाद होगा, और काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक चीज़ और बताऊँगा, अगर आपका जो कट ऑफ मार्क्स के आपके कितने मार्क्स होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हो। द स्टडी अटैक इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक छोटे से बड़े अपडेट दे दिया जाता है, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग में छोटे से बड़ा अपडेट भी मैं चैनल पे दूंगा। और आपके कौन कौन से कॉलेजेस फिल करना चाहिए, कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, CUET के अंदर कौन सा करना चाहिए, कहीं भी अगर डायरेक्ट एडमिशन भी होगा तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर बने रहो, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या जैसे एक बात और बोल रहे थे कि भैया ICR के अंदर क्या हर राउंड में हमको फी पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तब जाके हमने फी पे किया, फिर सेकंड राउंड में हम पार्टिसिपेट किए तब हमको फी पे करना पड़ा, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप ICR काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक ही बार आपको फी पे करना होता है, जो कि 4 rounds के लिए प्लस मॉपअप के लिए, तो आपको मतलब 5 rounds के लिए एक बार एक फी पे करना है, बार बार कोई फी पे नहीं करना है, एक बार एक चॉइस फिलिंग करना होता है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिजल्ट से पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। ICR के लिए स्पेशली बता दूँ, ICR के लिए आपका ICR जब CUET का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ICR का रैंक कार्ड रिलीज होगा, देन उसके बाद में ये होगा, मतलब आप समझ सकते हो अगस्त तक ये जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जाता है, लास्ट 3 years से जो मैं देखता आ रहा हूँ तो जाता है, तो अभी भी जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि जो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ कि CUET का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब होगा। देखो CUET का होता है इंडिविजुअल, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी अपना अलग से कराएगी, और आपका जो बिक्रम यूनिवर्सिटी अलग से कराएगी, गांधीग्राम इंस्टीट्यूट वाला जो अलग से कराएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा अलग से कराएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अलग से कराएगी, जिनमें एग्रीकल्चर का फैसिलिटी है, सब यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल काउंसलिंग कराती हैं। जैसे CUET का रिजल्ट आएगा उसके एक वीक बाद से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर इनकेस कोई भी यूनिवर्सिटी अपना प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करती है तो इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो। अब उसके बाद मैं सेकंड चीज की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनवा के रखने, अपने पास रखने, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, तो उनका जरूर ध्यान रखना। और देखो अगर आपको काउंसलिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है कि भैया हमको काउंसलिंग के कॉलेजेस के बारे में ABCD भी नहीं पता, हम नीट का दिए थे, हमको बाय मिस्टेक इधर आना पड़ रहा है, इतना ड्रॉप हो गया, हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में 599 फी है, इसमें जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा हर एक स्टेप पर। और ऐसा यूनिवर्सिटी की देखो, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आगे आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, ठीक है ना, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो नंबर दिया गया इस पर आपको अपना जो पेमेंट सेंड करना है, और इसको व्हाट्सएप पे मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगा, उसके बाद में आप मेरे से पर्सनली कॉल करके आपसे कुछ भी आपके जो मन में डाउट हो आप सब कुछ पूछ सकते हो, और मैं आपको बेटर से बेटर अच्छे से रिकमेंड करूँगा, और कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी सपोर्ट करूँगा। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट्स आपके दो डॉक्यूमेंट्स मतलब दो टाइप से डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, कब, एक तो जब ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तब ऑनलाइन अपलोड करते टाइम, और दूसरा कॉलेज जब आप कॉलेज में जाओगे तब फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जब आपको ऑफलाइन शो करने होते तब। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो अब जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो साइड में आपको दिखता रहेगा और मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो चलेगा, अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, पहला डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखो कुछ स्टेट जैसे कि अपना, मैं अपना स्टेट राजस्थान के बारे में बात करूं तो क्या होता है कि अपना जो सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट एक ही होता है, उसमें लिखा होता है ना मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो 10th और 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास रखना है। कुछ स्टेट जैसे बिहार में देखोगे आप, जो मेरा जहाँ मेरा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ जो लोग भी पढ़ते हैं तो उनका जो 10th का और 12th का जो सर्टिफिकेट थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग उनको मिलता है। उसके बाद में आपने जहाँ से भी 12th किए वहाँ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तीसरे डॉक्यूमेंट्स ये है। चौथा डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, तो इसको जरूर ध्यान रखें, CUET का एडमिट कार्ड आपका चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं कि अभी आप गुम कर दिया, तो अभी आप अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो उसको डाउनलोड करके रख लो मेरे भाई, बाद में ऑप्शन चले जाओगे फिर परेशान होगे। और एक और इंपॉर्टेंट, CUET का जो कन्फर्मेशन पेज है वो अभी भी पोर्टल पर दिया हुआ है, तो अभी जाके डाउनलोड कर लो। दो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप बाद में मेरे पास आओगे कि भैया ऑप्शन नहीं है, गायब हो गया, क्या
करें तो अभी जाके उनको जरूर डाउनलोड कर लें। उसके बाद में देखो सिक्स और सेवन्थ नंबर का ICR का रैंकर जो कि अभी तक आया नहीं है, जब भी आएगा तो उसको भी आप अपने पास रखना। और अलॉटमेंट लेटर एक होता है, अलॉटमेंट जो ICR की तरफ से अलॉटमेंट लेटर आता है वो आपको चाहिए होता है, तो अभी तो उनका आया नहीं है। जब भी ICR का रैंक कार्ड आएगा और आपको सीट मिलेगा तभी आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इनको अभी तक आपके पास नहीं है तो कोई चलेगा, क्योंकि आपके पास होगा भी नहीं, ठीक है ना। ये तो सात डॉक्यूमेंट्स रहे, अभी तो जो छठा और सातवां डॉक्यूमेंट्स है जो आपका रिजल्ट आने के बाद में और सीट मिलने के बाद में ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद में देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एट्थ नंबर का डॉक्यूमेंट्स भी आपको कॉलेज की तरफ से भेजा जाता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है ना। तो ये भी जब आपको सीट मिलेगी तब आपके पास रहेगा। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स आपने CVT के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए थे वो आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अपने रखने हैं। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ये तो आपके पास होगा ही। देन उसके बाद में अभी जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप किस स्टेट के मतलब आप बिलोंग करते हो, डोमिसाइल या जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में इसको मूल निवास बोलते हैं, तो मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक ही को बोलते हैं, ये आपको बनवा के रख लेना है अभी भी। उसके बाद में जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देखो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप अपना रिजर्वेशन को नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप SC ST UPS कैटेगरी, UPS का मतलब होता है अंडर प्रिविलेज स्टेट उनको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती है, जैसे बात करेंगे त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है ना, इन सब में क्या है कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं। मणिपुर में आप बोलोगे भैया मणिपुर में है ना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, भाई वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसलिए वहाँ को सेपरेट रिजर्वेशन होता है वहाँ के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। देन 12th नंबर का है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। देन 13 नंबर पे आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए, अभी जाके अप्लाई कर दो, बनवा लो, बाद में दिक्कत होगा, बाद में कोई दिक्कत ना हो इसलिए अभी जाके बनवा लो और टेंशन फ्री रहो, बस ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ठीक है। अगर आप देखो फिजिकली चैलेंजर या फिजिकली हैंडीकैप हो कि भैया मेरा कोई ना कोई डिसेबिलिटी है तो उसका आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट है तो वो आपको बनवा के रख लेना है। तो ये तो रहा काउंसलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर ये सब कुछ है तो आपको कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। एक और होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो जिस स्कूल से आप लास्ट टाइम पढ़े हो वहाँ कॉलेज स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया है तो आप स्कूल वालों से जाके बात करो, एप्लीकेशन लिखो, वहाँ जाके वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट समझ आया होगा। अब बता काउंसलिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखो काउंसलिंग के लिए कुछ भी नहीं, आपका नेगेटिव में मार्क्स नहीं होना चाहिए मेरे भाई, नेगेटिव में मार्क्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका जीरो या नेगेटिव में मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका प्लस में कितना भी मार्क्स है 1, 2, 3, 4, 200, 300, 400 आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देखो मैं बोलूँगा जिसका भी कम मार्क्स भी आता है वो भी काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करे एटलीस्ट, क्योंकि ICR का कोई भरोसा नहीं। लास्ट ईयर देखा आपने कितना रैंक तक भी सीट मिल गया था, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है, अब तो जब से ICR CVT के साथ मर्ज हुआ है कि एड भी करना होता, अभी भी इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि भैया हमने ऐड नहीं किया, क्या हम एलिजिबल नहीं। भाई ICR के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने CVT का कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट है कि काउंसलिंग कट ऑफ, मैंने आपको बताया मार्क्स, कितना भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो अच्छे से आप काउंसलिंग करें जिससे कि आपको अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, जहाँ पे आप जाके एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचो और अच्छा कुछ करो। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया जाके जरूर ज्वाइन कर लो, The Study@Tech, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैनल से आपको जेन्युइनली कुछ भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इसको जुड़े रहो मेरे साथ, लास्ट तक आप एक अच्छी जगह पर पहुँच जाओगे। और अभी तक आपने काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया जाके जरूर ज्वाइन कर लो, इसका मात्र फी 599 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको जब तक काउंसलिंग चलेगा ICR काउंसलिंग, CVT काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग होगी सब में मैं आपको सपोर्ट करूंगा जब तक कि आपको सीट ना मिल जाए, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट में रहोगे। इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया इस पर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करने के बाद आपको मैं पर्सनली अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। बाद में आपको कोई भी दिक्कत रहेगा आप मेरे से बिल्कुल 1-to-1 कनेक्ट रह सकते हो और अपना पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द Study@Tech।